हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरज एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। एक बिग फ्रेश अपडेट लेकर आ चुका हूं आपके सामने। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 हेड कांस्टेबल ये पोस्ट्स है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये पोस्ट्स है। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पे मिल जाएगी। नीचे जो लिंक्स अवेलेबल है वहाँ पे आप ज्वाइन करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें कितने पोस्ट्स आउट हुए हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह है, किस तरह फिजिकल स्टैंडर्ड होगा आपका और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुकी है। हम देखते हैं कितने पोस्ट्स आउट हुए हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। ठीक है गाइज, सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई के ये पोस्टर्स निकाले जा चुके हैं एंड हेड कांस्टेबल के ये पोस्टर्स निकाले जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है वो 4 जैन 2023 और जो क्लोजिंग डेट रखा गया वो है 25 जैन 2023, यानी कि कुछ ही दिन आपके रह गए हैं। जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट है वो जाकर इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको सीधे क्या करना है, आपको इस इनकी वेबसाइट पे, ये दोनों वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे आप जाके इनके जो है लिंक वहाँ पे दी हुई होगी रिक्वायरमेंट, फिर आपको मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई में करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल और मेल दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। पोस्ट जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिटीनों के लिए यहाँ पे टोटल 143 वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 1315 पोस्ट निकाले जा चुके हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि इनमें इंक्रीज़ भी होगा और डिक्रीज़ भी हो सकता है। अब इनका जो पे स्केल है वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। 7th CPC के तहत यहाँ पे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए पे लेवल रखा गया है वो है 29,200 से लेकर 92,300 एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए लेवल 4 रहने वाली है, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 तक। यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो है 25 ईयर्स, यहाँ पे जो है एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखती है हर किसी कैटेगरी के लिए, वो भी यहाँ पे SC ST OBC के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेक रखी गई है। अब यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट जो है मस्ट पास इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है गाइज, तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इनके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। विल बी स्टार्टेड 4 जैन से ये स्टार्ट हो चुकी हैं ये एप्लीकेशंस। ठीक है गाइज, तो डिटेल और नोटिफिकेशन आपको इनके अवेलेबल वेबसाइट पे मिलेगा। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ वो है 4 एंड 25 को लास्ट डेट है एंड रिलीजिंग जो है एडमिट कार्ड वो CBT एग्ज़ाम होगा आपका वो 15 को होगा एंड जो शेड्यूल टेस्ट होगा टेंटेटिव वो यहाँ पे फरवरी 2023 यानी कि 22 से लेकर 28 फेब तक यहाँ पे आपको शेड्यूल दिया जाएगा CBT टेंटेटिव का। ठीक है, अब बाकी जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका जो है ये सिलेबस वगैरह वो भी इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। सीधे चलते आपको नीचे दिखाते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी 100 रहने वाला है। ठीक है गाइज, आपको डेबिट कार्ड ऑनलाइन थ्रू भी वहाँ पे कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे जम्मू में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, सामा में भी, श्रीनगर में भी, यहाँ पे 3 सेंटर्स रखे हुए जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बाकी CBT एग्ज़ाम होने वाला है, टेंटेटिव होगा, उसके बाद जो है इन हिंदी इंग्लिश वगैरह जो है इसका भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है गाइस, सिगिल टेस्ट आपका होगा, फिजिकल टेस्ट आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए रखा गया। मेल जो भी लिस्ट में आएंगे उनके लिए जो हाइट है 165, चेस्ट जो है 75, एक्सपेंडेड 82, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन कैटेगरीज के लिए इतना होना चाहिए, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इतना है, ऑल फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर मैंशन किया हुआ है।
यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है गाइज, आई होप ये जो है जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी लगी हो। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। जो भी इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है, जो भी इन पोस्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हो, वो यहाँ पे अभी भी जो है फॉर्म फिल कर सकता है। अभी जो है डेट, इसका क्लोजिंग डेट रखा गया है 25 से पहले पहले आपको यहाँ पे अपने फॉर्म सबमिट करने हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इनके वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे भी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आई होप यू गाइज आर फाइन। थैंक यू एंड टेक केयर।